मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, बट हाँ कभी कभी उनके कुछ डिसीजन अच्छे नहीं लगते हैं। कैसे हैं बहुत सारी, जैसे कि सिलेबस रिड्यूस हो गया तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पढ़ने को नहीं मिली, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक बच्चे को जो 10th में पढ़ना चाहिए हम लोगों ने उसे थोड़ा सा कम पढ़ाई की, कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो ये डिसीजंस कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। जो पढ़ाई में रिड्यूस वाला आ जाता है ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से शिक्षा को लेकर कि और बेहतर क्या सुधार करना चाहती हूँ, कि जो चीज़ें हम लोगों की पढ़ने वाली हैं उन्हें रिड्यूस ना करें, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स इस बार भी हमारे में फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं, बायो में बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, वो चीज़ है कि वो भी हम लोगों को पढ़ाया जाए और वो रिड्यूस ना किया जाए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद हो जो उनको रिड्यूस किया गया हो, कौन कौन से हैं? जैसे कि 10th में था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का चैप्टर था, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके इससे रिलेटेड हमें आगे भी पढ़ना होता है, तो वो चैप्टर रिड्यूस हो गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक्चुअली पढ़ भी रखा था पहले से, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा वो चैप्टर हो गया। और भी बहुत सारे अदर चैप्टर होते हैं, जैसे टीचर्स को जान टीचर्स से जानने को मिलता है कि पहले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे, जैसे कि 9th में हीट था तो वो सारे चैप्टर्स हम लोग नहीं पढ़े, पर अब तो पढ़ना है तो उसमें तो उसकी प्रॉब्लम होती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि 9th से ही बच्चे को इतना प्रिपेयर किया जाए कि 11th और 12th में से ज़्यादा प्रॉब्लम। ड्यूरिंग दिस स्टडी आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से आई? परेशानी तो मतलब हर सब्जेक्ट में होती है, लेकिन अगर एक अच्छे टीचर है आपके साथ तो आपको परेशानियाँ जो होती हैं प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ईजी हो जाती है। तो मेरे मतलब मुझे फिजिक्स में कभी कभी डाउट हुए तो मैंने कभी फिजिक्स के टीचर से क्लियर किया, मेरे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मैं नहीं लगा पाती, तो वो टीचर्स ने मेरी मदद की उसको लगाने में। बाकी बायोलॉजी में मुझे सारे डायग्राम्स जो थे वो जब टीचर समझाती थी तुरंत समझ में आ जाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्सपेक्ट थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई, हालांकि मुझे इतना मतलब थोड़ा थोड़ा डर लगता है। जो बच्चे अभी 11th और 12th में मैनेज करके मुझे 12th में 80% लाने हैं और उसके बाद नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि वो मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, उसके बाद नीट बेटा। आज बोर्ड का रिजल्ट आया, क्या आपको एक्सपेक्टेशन मतलब क्या आपको लग रहा था कि कितना परसेंट आप करेंगी? बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले हम लोग स्कूल में थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। घर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और जैसे ही मतलब रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया और इतने ज़्यादा परसेंटेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कितना परसेंट आपको आया है, कितना परसेंट? 97%। इन दो सालों में कैसे किस तरह की मेहनत किस तरह का प्लान तैयार किया था पढ़ाई करने का? मैं सच बताऊं तो मैंने 9th में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉकडाउन था, उसके बाद जब स्कूल खुले तो इतना मैं एडजस्ट नहीं कर पाई, लेकिन 10th क्लास में टीचर्स ने इंस्पायर किया पढ़ने और पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब एक बच्चा इतनी ऊँचाई पर आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। शायद ये इस दिन की बात कर रहे थे मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे क्या करते हैं जी? मेरे पापा फार्मर हैं।